अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और अपनी ज़िंदगी का भरपूर ख्याल कर रहे होंगे। हमेशा की तरह GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और उन पर बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ उनकी जो खसूसियात है मैं चाहती हूँ आप तक पहुँचाऊँ। और आज मैं उनके एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट जो कि DHS सिटी Phase 9 GFS विलास पर हूँ। और जैसे आप देख रहे हैं खूबसूरत मंजर मेरे पीछे है और एक अच्छी ठंडी हवा चल रही है। एब्सोल्युटली आई एम फीलिंग अमेजिंग। और यहाँ पर मैं आपको साइट पर भी विजिट कराऊंगी और कॉन्ट्रैक्टर्स से भी मिलाऊंगी, यहाँ के जो प्रोजेक्ट हेड है उनसे भी मिलाऊंगी, वो भी आपको बताएंगे और कॉन्ट्रैक्टर भी बताएंगे कि क्या क्वालिटीज़ हैं, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वालिटी का ध्यान रखा जा रहा है और जो टाइमिंग्स का हमेशा से लोगों को होता है कि जल्दी हमें मिलना चाहिए, टाइम पर मिलना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात यह है कि रिसेंटली UAE के एक बहुत ही रिनोन प्रिंस हैं जिन्होंने विजिट किया और ख्वाहिश जाहिर की है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आप में से वो तमाम लोग जो प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रोजेक्ट DHA Phase 9 इस वक्त मौजूद हूं मैं यहाँ पर ऑफिस में और मैं बात करना चाहूंगी यहाँ के प्रोजेक्ट हेड मंसूर ज़करिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं चाहूँगी कि आप उन तमाम लोगों को बताएं जो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं और ये क्योंकि एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, यहाँ के विलास मैंने सुना है कि बड़े ज़बरदस्त हैं, आप ही बताइए कि क्या फैसिलिटी और क्या यहाँ आप लोग ऑफ़र करते हैं लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, पहले तो ये GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर जो है माशाल्लाह एक बहुत बड़ा नाम है ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, हमारे मुल्क का। उनके कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक ये DHA सिटी में GSF विलास के नाम से है। ये 85 बंगलोज हैं, इसमें 125 गज भी है, 136 गज भी है और 90 यार्ड्स स्क्वायर यार्ड्स का भी है। और ये जो है सिक्योर्ड एरिया है पूरा DHA सिटी का। जी, मैंने सुना है कि यहाँ पर पूरी इंस्पेक्शन के साथ इंस्पेक्शन है, पूरा गेटेड कम्युनिटी है और जो है वो DHA की अपनी इंस्पेक्शन होती है, उनकी अपनी विजिलेंस है। तो DHA से ये कनेक्ट होगा जी, यहाँ से ये ब्रिज ये Phase 8 से उठा रहे हैं जो ये पूरा होते हुए इधर आए। जबरदस्त। और ये 20 से 25 मिनट का रास्ता तय हो जाएगा जो इस वक्त 1.5 घंटे का रास्ता है। अच्छा। हाँ, तो इसके बाद जो है वो इसकी प्रॉपर्टी के जो रेट्स है वो और बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर यहाँ मस्जिद भी है, पार्क्स भी हैं, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है और सारे टॉप स्कूल हैं, रूट्स मिलेनियम और 2-3 टॉप स्कूल्स हैं यहाँ पे सारे। कराची में कहते हैं ना DHA में लोग प्रेफर करते हैं रहने के लिए, जो Phase 1 से लेके Phase 8 तक है, तो ये फ्यूचर है कराची का। बिल्कुल, जो लोग चाहते हैं कि DHA में ही रहें तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फिर यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपके आप अपने मालिक बन जाते हैं जगह की, लीज हो जाती है आपकी, तो ओपन लेटर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और क्या इसमें आपको ऑफर्स दे रहे हैं लोगों को कि अब आसानी वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और आपकी टाइमिंग कि कब तक आपने इसको जो है उनको पोजीशन देनी है? 3 साल में इंशाल्लाह पोजीशन दे देंगे हम। और सिक्योर पेमेंट है यहाँ पे पूरे, क्योंकि सारे पेपर वर्क डॉक्यूमेंट सब अप टू डेट है, क्योंकि DHA जो है वो ऐसे ही किसी को ज़मीन नहीं देता कोई अधूरी चीज़ों पे। और DHA पाबंद करता है कि भाई आपको 3 साल के अंदर जो है वो हैंड ओवर करना है, वरना हम पे पेनल्टी लगेगी DHA की तरफ से। जितना लेट करते रहेंगे उतना हम पे डैमेज लगता रहेगा, आप समझे। तो ये तो लोगों को मतलब एक अश्योरिटी हो जाती है कि ये टाइमिंग के अंदर इनको मिल जाएगा, टाइम पे मिल जाएगा। और ये जो इसमें और सारे जो एलिवेशन हैं जो हमारे जो इंशाल्लाह मॉडल बंगलो भी हमारा तैयार है और थोड़ा सा ही काम बाकी है, तो उसको आप देखेंगे सारे एलिवेशन भी अप टू द डेट है, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट एलिवेशन डिज़ाइन है, जैसे DHA की रिक्वायरमेंट के और उसकी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि एक तो GFS का अपना नाम है। बिल्कुल, हमें इरफान साहब की तरफ से ऑर्डर है भाई कंस्ट्रक्शन की, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और फिर दूसरा है कि DHA की अपनी चेकिंग है, हर लेवल पर इनकी चेकिंग होती है, फाउंडेशन पे, प्लिंथ, हर रूफ की फ्लोरिंग के ऊपर इनकी टीम आती है, चेक करती है, तो क्वालिटी पे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। बिल्कुल, ये आपने सही कहा, GFS बिल्डर्स ना सिर्फ
अपने लेने वालों को जो है वो एक प्रॉपर्टी या ज़मीन देते हैं, बल्कि मैं तो ये मैंने जितने भी प्रोजेक्ट कवर भी किए हैं और आज आपसे भी ये सुना है कि ये एक पूरा जिनका ख्वाब है घर का, वो ख्वाब पूरे करते हैं जी बिल्कुल, उनके ख्वाब को हकीकत बनाते हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग भी होती है इनकी, ये भी अफोर्डेबल है, कोई इतने को महंगे नहीं है और शहर से दूर भी है, सुकून है, पुरसकून है, कोई इतनी आलूदगी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह लोगों को यकीनन इसके बारे में पता चल गया होगा और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। DHS सिटी फेज 9 DFS विलास, आज यहाँ हम कॉन्ट्रैक्टर्स से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ सामिक। वाइसलाम, कैसी हैं आप? ठीक जी, ठीक। आप बताइए उन तमाम लोगों को जो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, आपको पता है कि जब लोग घर खरीदते हैं तो उनको क्वालिटी का बड़ा होता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर किस तरह से आप मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए मैडम, पहले तो आप बेहतर समझती हैं, आप DHA में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और DHA अपनी क्वालिटी अलग मेंटेन करता है और GFS अपना नाम बनाने के लिए और बरकरार रखने के लिए क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आप इनके किसी भी प्रोजेक्ट्स में चले जाएं, इनके माशाल्लाह क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ज़बरदस्त। और माशाल्लाह इधर भी कंस्ट्रक्शन जो DHA में हो रही है और भी माशाल्लाह बिल्डर काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मगर उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर क्वालिटी को कंट्रोल। क्योंकि आजकल देखें जब जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं, लोगों को एक चीज़ की बड़ी शिकायत होती है कि खूबसूरत तो बहुत दिखाई देते हैं लेकिन एक साल के अंदर वो चीज़ नहीं रहती और काफ़ी लाइक कंस्ट्रक्शन में ना मसला होता है। नहीं, आपकी बात बजा है, मगर मैडम आप GFS के और भी प्रोजेक्ट्स देखें जी, जहाँ पे DHA नहीं है, यहाँ तो DHA की रूल्स रेगुलेशन और डिसिप्लिन बायलॉज हैं सारे, उसको फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे एमिनिटीज़ के हवाले से लेने, रोड सेवरेज, यूटिलिटीज लेने, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा। कहने का मतलब ये कि GFS बिल्डर्स ने अपना एक इस तरह से नाम बनाया है और इनफैक्ट मैं भी क्योंकि इंडोर्स करती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बारे में और कुछ प्रोजेक्ट्स पे मेरा जाना भी हुआ है, वहाँ के अलॉटीज से भी मैंने बात की है और मैं घर पर भी विज़िट किया है, जो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। आप यूर एब्सोल्युटली राइट कि उनकी एक जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और जहाँ बात DHA की आ जाए तो यानी कि ये एक ऑथेंटिसिटी है कि GFS एंड फिर DHA फेज 9, DHA सिटी फेज 9, तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि ये लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और मैम इसको आप इस तरह भी देखें ना जी, हमें DHA में आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा कोई बिल्डर आता है उसको प्रॉब्लम होती है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, हम जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड पर चल रहे थे वही स्टैंडर्ड क्वालिटी हमारी यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पे कोई इश्यू ही नहीं है क्योंकि हमें पता है हमने अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी, क्वालिटी में राइट लेफ्ट नहीं करना। और मैं आपको इसके साथ एक बात मजीद बताऊँ, आजकल जो कंस्ट्रक्शन के हालात और मामला चल रहे हैं, बहुत सारे लोग या तो काम अपना स्टॉप करके बैठे हुए हैं या मजीद काम की स्पीड नहीं बढ़ा रहे, बहुत स्लो चल रहे हैं, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना रोकने का ना स्लो चलाने का, हमें तो 24/7 बोला आप काम करें, तो माशाल्लाह GFS अपना नाम ही इसी तरह बना रहा है, वो अपना नाम बनवाने के लिए पूरी मेहनत करता है, पूरी उसकी टीम वर्क है और माशाल्लाह हमारे बॉसेस जिसमें इरफान भाई साहब हैं, मंसूर भाई साहब हैं, मोहसिन भाई साहब हैं, इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है और हम कहते हैं कि यार हमारे बॉसेस कब जाके सोते होंगे जो इतना लुक आफ्टर करते हैं जबरदस्त, माइनर सी चीज। बहुत अच्छी आपने बात बोली है एंड विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, इसी तरह से ये अच्छी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू सो मच। DHA सिटी फेज 9 GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर का एक और नया प्रोजेक्ट GFS विलास, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं एक अलॉटी और मैं चाहूँगी कि मैं उनसे बात करूँ, अपना एक्सपीरियंस बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ जहीर है। आपका यहाँ पर विला है? जी मैंने यहाँ विला बुक कराया था। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका कंस्ट्रक्शन के हवाले से? जी जी बहुत ज़बरदस्त है, असल में मैंने वहीं से बुक कराया था, मैं यहाँ खुद नहीं था, मैं ओवरसीज पाकिस्तान में हूँ, मैं लंदन में होता हूँ। अच्छा, तो मैंने ये सारा देखा था पर बुक कराया था, पर मैं इनके साथ बड़ा खुश हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है और क्वालिटी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेंटेन रखी हुई अपनी और मैं इससे बहुत मुतमईन हूँ। ज़बरदस्त, तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ख़ास करके ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके लिए आप क्या मतलब? जी जी मैं बिल्कुल, ये जो GSF हैं इनका बड़ा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट पर्पस है, ये मतलब
काफ़ी चीज़ें आपके सामने हैं, हर चीज़ आपको कोई वो नहीं, और उनके काम करने का भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और उनके जो आगे प्लान्स हैं मुझे लगता है वक्त से पहले भी मुझे अपने घर का पोजेशन मिल जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त, देखिए जी ये होता है, आपने देखा ये इनका एक एक्सपीरियंस था, और यकीनन वो तमाम लोग जो सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। DHS City Phase 9 GFS Ubilas के कलौटी इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, तो मैं चाहूंगी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ आप कहाँ से हैं और आपका यहाँ पर विला है वो? मैं बेसिकली यहीं पे रहता हूँ, तो अच्छा। मैंने 6 महीने पहले यहाँ पे विला बुक कराया था अपना, तो एवरी वीक इधर आके बेसिकली चेक करता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो माशाल्लाह से जो इनकी प्रोग्रेस है बहुत अच्छी चल रही है, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, और जिस तरह कहते हैं कि मतलब इनकी हर चीज़ अच्छी है, तो टाइमिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, काम तेज़ी से चल रहा है माशाल्लाह से। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कितने मुतमईन है? काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ, आप कह लें कि 10 out of 10। ज़बरदस्त, और क्या चाहिए। और यकीनन जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिए हैं, ताकि लोगों को श्योरिटी मिल जाती है। देखें, कोई अपने ख्वाबों का घर बना रहा होता है, अपनी जमा पूंजी लगाने जा रहा होता है, उसको श्योरिटी तो चाहिए, तो सबका राइट है। तो यकीनन उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी थ्रू यू, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। ये तो है DHS City Phase 9 GFS Ubilas। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अपने नाम और मयार का ख्याल रखते आ रहे हैं, इसका सबूत आपने आज देख लिया। आज जितने भी लोगों से मुलाकात हुई, आपको यकीनन इस बात का सबूत मिल गया होगा कि ये प्रोजेक्ट जो है वो आपकी पेमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करेगा और आपको एक अच्छे ख्वाब की तकमील भी देगा। अब वक्त हुआ है यहाँ से तशरीफ़ आवरी का। जैसे आप देख रहे हैं खूबसूरत गेट जो है मेरे पीछे है, DHS City Karachi लिखा हुआ है वहाँ पर, और अब हम यहाँ से जाएंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके लिए GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मज़ीद प्रोजेक्ट्स को हम आप तक पहुँचाएँगे और बताएँगे कि उसकी खसूसियात और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के आसान तरीके क्या हैं। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।